गुड इवनिंग एवरीवन। दो दिन पहले करवा चौथ थी, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, दो दिन से मुझे फीवर जैसा आ रहा है और बहुत लो फील हो रहा है। मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे दिखने में नहीं लग रहा लेकिन अंदर से हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि चलो मैं डॉक्टर को दिखाने लेके जाता हूँ, वरना पहले की तरह फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ेंगी, फिर बच्चों को कौन संभालेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, अभी हम वापस जा रहे हैं घर। लड्डू को छोड़ के आए, वैसे हम लेके आने वाले थे बट वो सो गया था तो उसको घर पर ही छोड़ के आ गए। लड्डू और लक्ष्य, और आज लक्ष्य के ना बाबा आए हुए हैं मेरे ससुर जी गाँव से, तो वो भी घर पर ही हैं। तो अभी चलते हैं घर, और गांव में ना जल्दी खाना खा लेते हैं, तो जाते ही मुझे डिनर बनाना है। तो आते ही मैंने डिनर बनाया, और सुबह में ये ना घर का थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था तो वो सारी चीज़ें लेके आए थे, तो फिर मैंने इन सब चीज़ों को अरेंज करके रखा। ये भी सबसे बड़ा टास्क होता है यार। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैंने हेयर वॉश कर लिया है। सिंदूर मैंने नहीं लगाया है क्योंकि पहले मैं लगा लेती थी नहा के आती तुरंत, ऐसे मैंने सुना था कि लगाते हैं तुरंत, लेकिन फिर मैंने अभी देखा यूट्यूब पर ऐसी एक वीडियो आ गई थी रेंडमली, तो उसमें मैंने सुना था कि ऐसे गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो अभी मेरे बाल ड्राई हो जाएंगे तब सिंदूर लगाऊंगी, और अभी मैं जा रही हूँ सूरज देवता को जल चढ़ाने के लिए। और आज है संडे और आज है अहोई अष्टमी, तो आज है मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ये व्रत रखा है अपने बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए। सारा सामान आ गया है पूजा का, सारी तैयारियाँ, शाम को पूजा करूँगी मैं। और इस वाले व्रत में भी करवा चौथ की तरह पानी नहीं पीते हैं, करवा चौथ में चांद को देखकर पानी पीते हैं और इसमें चांद तारों को देखने के बाद पानी पीते हैं। तो शाम में होगी पूजा, तो अभी मैं सूरज देवता पर जल चढ़ा के आती हूँ। उसके बाद खाने पीने की सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस दाल में तड़का लगाना है, चावल बन चुके हैं और रोटियाँ बनानी है। कल हमारे ससुर जी आए हुए हैं तो बाहर हैं, और लक्ष्मी भी उधर ही है, नहा धो लिया है। लड्डू नहीं नहाया, उसको बाद में नहलाऊंगी, और पानी नहीं पिया मैंने रात में 12 बजे से, तो अभी भी मुझे प्यास नहीं लग रही है क्योंकि यार करवा चौथ भी हम रखते हैं तो उसमें भी ज़्यादा लगती नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी लो रहती है, बट कोई बात नहीं, इतना भी नहीं है मेरी अभी। और शाम को क्या पहनती हूँ कोई भी तैयारी नहीं है देखो। और ये मेरा फर्स्ट व्रत है, पिछले साल मैं स्टार्ट करने वाली थी लेकिन पिछले साल ना लड्डू बहुत छोटा था तो मैंने सोचा इस साल करूँगी। और माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है ना, मैंने सुना है कि बहुत अच्छा होता है इस व्रत को रखने से, और इस व्रत को कौन कौन रखता है मुझे ज़रूर बताना। और जिस तरीके से मतलब मैं फर्स्ट टाइम पूजा करूँगी, देखो मैं जितना मैं जानती हूँ अपने हिसाब से करूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में अंत तक बने रहना। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से। ये कर रहे हैं पूजा, मैं जाती हूँ जल चढ़ाने वरना लेट हो जाऊँगी, खाना भी बनाना है। चलो दीदी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो मैंने उनसे बोला कि इतना लेट मत आया करो यार, आपकी वजह से हम लेट हो जाते हैं पूजा वूजा करने में। तो और आज मैंने ब्लॉग को एडिट भी किया था और अपलोड करके लगा दिया है, लाइव भी कर दिया है मैंने, तो ब्लॉग जरूर देख लीजिएगा। उज्जैन वाले ब्लॉग में बीच बीच में डालती रहूँगी क्योंकि अभी ये वाले ब्लॉग तो मैं टाइम टू टाइम देती रहूँगी, वरना फिर ये काफ़ी लेट हो जाएंगे, वो तो ऑलरेडी लेट हो ही चुके हैं। फिर दिवाली भी आ जाएगी तो दिवाली के भी टाइम टू टाइम डालने हैं ना। चलो चढ़ाने चलते हैं ऊपर छत पर जल। कितनी कमाल कर रही है, कैमरे पे बैठी हुई है चिपकली, देखो कैमरे पे चिपकली, कैमरे के पीछे भी है। हाँ, और ऊपर सीढ़ियों पे भी थी। चलो चलो, तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय और ये आज इनको सारा दिन मार्केट में हो गया है। सुबह पूजा का सामान लेने के लिए गए थे, फिर लक्ष्य को ड्रेस दिलवाने के लिए गए थे विंटर की। और सच में यार स्कूल वाले कितना लूटते हैं, मतलब फीस तो लेते ही हैं साथ में ड्रेस में भी कमीशन, बुक्स में भी कमीशन, बहुत ज़्यादा यार, बहुत महंगी ड्रेस आती हैं बच्चों की। तो यहाँ पर ये जो आज मैंने व्रत रखा है ना अहोई अष्टमी का, तो उसमें ये साहू मैया की मूर्ति होती है चांदी की, और उसमें अगर आपकी एक बच्चा है तो 2 मोती, 2 बच्चे हैं तो 4 मोती चांदी के डाले जाते हैं। आप हर साल भी बढ़ाते, मतलब बढ़ा सकते हो 2-2 मोती, और अगर आप चाहो तो बच्चों की शादी हो तब डाल सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बच्चों को भी बिठाना ज़रूरी होता है इस पूजा में, तो इस वजह से मैंने आज लड्डू को भी नहीं सुलाया, तो आज सारे दिन बिल्कुल भी नहीं सोया है ये। अब पहले मैं रेडी होने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि मुहूर्त का टाइम हो गया था बिल्कुल, तो फिर मैं रेडी नहीं हुई। ऐसे मैंने मुँह धुल के और नहा धो ली थी मैं सुबह, तब से मैं वॉशरूम वगैरह नहीं गई थी। अगर जाते हैं तो व्रत में फिर नहाना पड़ता है फिर से, जैसे करवा चौथ में हो गया वैसे ही सेम टू सेम। तो सबके यहाँ अलग अलग होता होगा, मुझे नहीं पता, कुछ लोग बोलेंगे तो मैं ये बता रही हूँ वो बता रही हूँ, देखो सब लोगों के यहाँ अलग अलग होता है।
तो बस मैंने यहाँ पे कर ली बहुत अच्छे से आराम आराम से पूजा अग्याई वगैरह। मैंने पूड़ी पुआ बनाए थे, पूड़ी पुआ का भोग लगता है, इसमें मेन रहता है चावल और दूध का, मैया को चावल और दूध का भोग लगाया जाता है और गुलाब के फूल। तो वो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पूजा कर दी है बहुत अच्छे से। और जब आप अच्छे से कोई व्रत या पूजा करते हो ना, तो अंदर से जो शांति मिलती है ना, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो एक घंटे में हमारी पूजा हो गई, मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी है। उसके बाद हम लोग कर रहे थे आरती, और यहाँ पर लड्डू को देख सकते हो इतना परेशान कर रहा था ना, उसको भी पूजा करनी है, उसको भी आरती करनी है, सब कुछ करना है उसको। तो हमारी पूजा हो गई है संपन्न। तो उसके बाद मुझे मंदिर में भी पूजा करनी है, और मैंने मंदिर में भी भोग लगा दिया है साथ ही साथ। अब चलते हैं ऊपर। 4 दिन पहले इन्होंने चांद से व्रत खोला, आज तारों से व्रत खोल रही है। अब चांद तो वीडियो में क्या होता है आ जाता है, क्योंकि बड़ा होता है, और ये ऐसे करके ना तारे लेना चाह रही थी। मैंने बहुत ज्ञानी लोग हैं इस दुनिया में, बहुत ज्ञानी लोग हैं इस दुनिया में जो तारे को मोबाइल में कैच करना चाहते हैं, जबकि एक दो ही तारे थे, ज्यादा होते तो क्या होता। तेरा मुंह भी छान के देखना पड़ेगा, इतना गंदा है। हमारा तो गंदा है, मेरा तो बहुत गंदा है, मम्मी कहती तो बना लिया। तो लड्डू का तो नहीं है ना गंदा। लड्डू के तो तारे निकल आए थे 3-4, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया और भोग वगैरह लगाया, और उसके बाद आरती करके फिर बच्चों की आरती करूँगी और माला वाला पहनाऊँगी, और इस तरीके से हमारा व्रत हो जाएगा संपन्न। माता रानी सभी के बच्चों को लंबी उम्र दे। तो जो चावल और दूध का भोग माता रानी को लगाया वही मैंने ऊपर लगाया, और अभी मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिला रही हूँ, क्योंकि बच्चों को खिलाते हैं, दोनों बच्चों को मैंने खिलाया। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्य से मैंने बोला अब तो पानी पिला दो, तो लक्ष्य बोल रहा था पापा ने अपने हाथों से पिलाया तो मैं भी पूरा पानी अपने हाथों से ही पिलाऊंगा। और आज वो इतना खुश था ना कि मम्मा ने हम दोनों के लिए व्रत रखा है। पूजा हमारी हो चुकी है, और अभी मैं सारी चीज़ों को रख दूंगी, पानी मैंने पी लिया है, और जो भोग वगैरह है उसको गाय को लगा दूंगी। अब ये पूजा छोटी दिवाली तक ऐसी ही रहेगी, इसको हटाएंगे नहीं, छोटी दिवाली वाले दिन हटाएंगे। और जो कलश में पानी भरा है ना छोटे छोटे, उसमें उसको घर में और बच्चों को पिला देंगे, और घर में ऐसे प्रवाहित कर देंगे। और इस तरीके से रही हमारी हुई अष्टमी की, मेरा ये पहला व्रत है, तो आज इस कुछ इस तरीके से मैं तैयार होना चाह रही थी, मैं होती लेकिन मेरे ब्लाउज वगैरह स्टिच नहीं हुए थे, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अब पूजा तो पूजा होती है, चलो दिल से बढ़िया पूजा कर लिया। तो अभी मैं जो चांदी की माला है ना उसको पहन लूँगी, और इसको मैं दिवाली तक पहन ही रहूँगी, छोटी दिवाली तक। और लड्डू हमारा कांड करने पर लगा हुआ है, तो देखो क्या कर रहा है लड्डू। क्या कर रहे हो बेटा, क्या दूल्हा लग रहा है लड्डू, दूल्हा कुर्ता पजामा पहन के, क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा अच्छा क्या हो गया लड्डू। गुड मॉर्निंग एवरी वन, आज है मंडे, सुबह सुबह 5:30 समथिंग टाइम हो रहा है, और ये जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं बाइक से एक्चुअली, तो बाइक को स्टेशन पे लगा देंगे फिर ये निकल जाएंगे। अब देखो कब तक वापस आते हैं। जब ये घर पे रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है यार, पता नहीं क्यों आदत सी हो गई है, पहले इतना नहीं था, अब ये कहीं एक दिन के लिए भी जाते हैं ना तो बेचैनी सी होने लगती है। चलिए इनको करते हैं विदा, फिर बनाते हैं मतलब लक्ष्य के लिए टिफ़िन। और लड्डू के कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो बनाते चुप हो गया ये तो। हेलो बोल दो, हेलो फ्लाइंग किस कर दो लड्डू सबको, कर दो फ्लाइंग किस, रो रो के तो ऐसा ही हो रहा है इतना पतला। हेलो लड्डू, अब मेरे पास इसको चुप कराने का एक उपाय है, जैसे ये रोए कैमरा ऑन कर दो ये चुप हो जाता है। इसको लग रहा है इसके पापा जा रहे हैं, नहीं जय जो कर रहे हैं पापा।
खत्म नहीं होते। देखो ये कहाँ छुप गया है, देखो ये कहाँ बैठ गया है जी। निकलो वहां से, आ जाओ आ जाओ, सुनाई नहीं दे रहा, आ जाओ इधर आ जाओ यार, आ जाओ। मेरे बच्चा नहीं है, नहीं है बच्चा आज, पापा को बुला दूंगी मैं आज। प्लैंक किस करो मम्मा को, करो प्लैंक किस, पैर छू मम्मा के, आ जाओ आ जा। बहाने बाज ड्रामे बाज, निकल निकल, क्या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पापा को बुलाऊं, बुलाऊं पापा को, A few moments later. Hey, Laddu. आओ अंदर। ये लड़का बहुत शैतान हो गया है, तुरंत गेट थोड़ा भी खुला रहता ना निकल जाता। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ, मेरे बच्चा अंदर आ जाओ। इसको हम लोग बाहर नहीं निकालते, इसलिए बाहर क्यों पड़ी थी, कहाँ जाके बैठ गया मेरा बच्चा, भोला बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा राजा बच्चा, अंदर आ जाओ। मोबाइल लेके बैठ गया है, आ जाओ आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ, पापा आने वाले हैं अभी, आंटी आने वाली हैं। बेटा चलो अंदर, ये बाहर गए थे ना, गेट खुला छोड़ गए थोड़े से गेट में से। कहाँ गई थी मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी, ऐसे तो गायब हो जाएगा किसी दिन। हाँ गुंडी बच्ची, अभी कितना घर पहला हुआ डाला है देखो, अभी वो दीदी आने वाली होंगी। आ जाओ, लेकिन हमें इतना दुखी कर लिया, अभी निला के लाई थी मैंने, बोला चल खेल ले मैं खाना बना लूँगी, लेकिन इसको देखो, इसको चप्पल जूते बर्तन यही सब चाहिए। क्या है, हटो वहाँ से, हटो वहाँ से जानो। पापा भी परेशान हो गए इससे, वो देखने नहीं आ रहे। लड्डू आज आज देखो देखो, ना के आया है ऐसे, क्या कांड कर रहा है, वैसे का अच्छा मन लग रहा है, खिलौनों से नहीं खेलता ये, हंस रहा है। गुंडी बेबी है, गुंडी बेबी। प्लैंकिच करो पापा को, प्लैंकिच 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 करो लड्डू। नहीं करेगा लड्डू के सूज कहाँ है, लड्डू के सूज कहाँ है, कहाँ है लड्डू के सूज। ओ ओ अरे भैया हम रख देंगे, छोड़ दे भैया, क्या हो रहे है इस घर में, क्या कांड हो रहा है। सब लोग बोलते हैं तुम एक बच्चे से परेशान हो गए, मैं यार पहले घर पे आओ देखो पहले इसको कि क्या क्या कांड कर रहा है। आ जा बेटा आ जा, अरे आ जा बच्चा, आ जा आ जा बेटा, आ जा आ जा, अरे भैया के पास आ जा। बाय प्लान किस करो, इधर उधर कर रहा है। बाय 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 करो, बाय ओ ओ ओ शेर बन गया। पापा बोलो, पापा पापा पापा, दादा दादा, बाबा नाना नाना, मामा मामा। उसे कुछ नहीं बोलना, उसको बाहर जाना है, लग चटना साइड में। चलो बाय बाय बाय, अच्छा मुझे मम्मा के पास, मम्मा के पास, अच्छा मम्मा के पास, अच्छा 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 बच्चा। चुपकली बहुत रहती है यार, है दो दो चुपकली है, बहुत रहती है यहाँ पर। चलो पानी पूरी, क्या कांड है ये, बाहर से आते स्टार्ट हो गया ये कढ़ाई वगैरह से, बस इसको बर्तनों से खेलना है। लड्डू बेटा रख दो, बेटा रख दो, बच्चा रख दो, अंदर रख दो, अंदर रख दो, इसमें रख दो, रख दो। गुड बॉय है, गुड बॉय, गुड बॉय है, मम्मा की बात मानता है लड्डू। हाँ रख दो, रख दो इधर, रखो रखो इसमें। अले बाव वाह, गुड बॉय। ब्लैंकेट करो मम्मा को, ऐसे पता नहीं कहाँ से चिप्स लेके आया बाहर से। क्या है ये, इस लड़के ने देखो पूरी मैंने सेट करके रखी थी, ये क्या कर दिया, देखो गिरा गया इसको।
खड़ा हो गया है। सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, मच्छर काट गए। देखो कांड इसके, गिर जाएगा बॉल पे। होशियार नहीं बनता बॉल पे, होशियार नहीं बनता जा रहा। ये बहुत ज्यादा शैतान हो गया है, बहुत ज्यादा ही देखो हंस रहा है।